फ्रेंड्स, आज हम कार्बोनेशन टेस्ट के बारे में जानेंगे। द कार्बोनेशन टेस्ट इज अलाउ टू मेजर द डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन थ्रू द सरफेस ऑफ कंक्रीट। व्हेन वी कंपेयर विद द कंक्रीट कवर टू रेनफोर्समेंट, द रिस्क ऑफ कार्बोनेशन इंड्यूस कोरोजन कैन बी एसेस। जो कार्बोनेशन ज़्यादा होता है, जिससे रेनफोर्समेंट में कोरोजन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब हम इस टेस्ट के बारे में जानेंगे। इन कार्बोनेशन टेस्ट देर आर टू बॉटल रिक्वायर 500 ml, वन बॉटल विथ डिस्टिल वाटर एंड वन बॉटल विथ फिनोप्थेलिन, एंड ऑल्सो ए डेप्थ गेज इज रिक्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, तो पहले जो सरफेस जहाँ पर हम कार्बोनेशन टेस्ट करने वाले हैं, वो सरफेस को एकदम क्लीन कर देना है। फिर उस सरफेस पर हमें फिनोप्थेलिन स्प्रे करना है। जब हम फिनोप्थेलिन स्प्रे करेंगे और जो कंक्रीट की सरफेस है वो पिंक कलर अपीयर करेगी, तो हम उससे जान सकते हैं कि अभी उसकी पीएच वैल्यू 9 से ऊपर है। दैट मीन्स उसकी अल्कलिटी लॉस नहीं हुई है। और जब आप फिनोप्थेलिन कंक्रीट सरफेस पर स्प्रे करते हैं और जो कंक्रीट की सरफेस है वो कलरलेस रहती है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पीएच वैल्यू 9 से कम है और उसकी अल्कलिटी लॉस हो रही है। और इसी तरह आप कार्बोनेशन टेस्ट से अल्कलिटी जानकर कोरोजन रेनफोर्समेंट को कोरोजन होने से बचा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।